बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसको हम बना रहे हैं नए टेक्निक से, यानी कि हम आज बना रहे हैं आज आलू के पराठे। और ये हमारे पास है 2 कप मैदा और तकरीबन 3 से 4 कप इसके अंदर हमने अपनी क्वांटिटी और ज़रूरत के हिसाब से हमने आटा लिया। आप चाहे तो सिंपल आटे से ही बना सकते हैं और आप चाहे तो उसको मैदे से ही बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आटे में थोड़ा मैदा मिक्स करूँगी और थोड़ा मेरे पास मैदा जो मेरे पास है 2 कप है और तकरीबन आटा जो मेरे पास है 4 कप। इन दोनों को मिक्स करके मज़ीद इंग्रीडियंट इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ हमने बड़े बोल में मैदा डाला है और इसी तरह से ये जो आटा हमारे पास था वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसके अंदर सिंपल मैदा भी यूज़ कर सकती हो, सिंपल आटा भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। हमें बिल्कुल वाइट मैदे वाले जो है पराठे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर आटा भी शामिल करा है और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको किस तरह से बनाती हैं। यहाँ हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, शुगर यानी कि चीनी, और इसके अलावा थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, और उसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून जो हम इसमें डालेंगे वो होगा ऑयल। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर किस तरह तैयार करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तकरीबन मेरे पास शुगर है, शुगर मेरे पास जो है आइसिंग पाउडर नहीं है, मतलब पाउडर की सेम फॉर्म में नहीं है मेरे पास। अगर आप चाहें तो इसके अंदर शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको जिस तरह मैं बना रही हूँ इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। आपने शुगर आपको जो है अपने किसी बाउल में डालनी है। 2 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है क्योंकि मेरे पास आटे की क्वान्टिटी मेरे पास ज़्यादा है, इसलिए चीनी कम और ज़्यादा आपने अपने आटे की क्वान्टिटी के हिसाब से करनी है। अच्छा, मैंने इसको चीनी को, अगर मेरे पास जो है पाउडर नहीं था तो मैंने इसको करना क्या है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके चीनी को घोल लेना है। थोड़े से पानी में डालना, बहुत सारा नहीं, इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको घोल लेना ताकि ये जो है हम जब इसका बैटर तैयार करें तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चीनी हमारी जो है ये अच्छी तरीके से तैयार होगी। थोड़ा सा इसमें दाना बाकी है, लेकिन थोड़ा सा और मिक्स करेंगे जब तक मैं आपको मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे पानी, पानी हमें कितना लेना है वो हमने जब बैटर तैयार करेंगे उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करना है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल है, ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल के अलावा हमारे पास नमक है, नमक में इसके अंदर हिमालयन सॉल्ट यूज़ करेंगे, कोई सा भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा कम जो है मैंने लिए है, आप क्वान्टिटी के हिसाब से डाल सकते हैं आटे के हिसाब से। तो मैंने 1 पिंच करीब ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, तो ये आपने मैंने डालना है इसके अंदर। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करते हैं, फिर पानी से हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पानी इसमें हमने मज़ीद ऐड कर दिया। आपको हैंड मिक्स की वजह से या हैंड बीटर की वजह से आप इसको बीट कर सकते हैं। मैं इसमें जल्दी में बना रही हूँ, मेरे पास हैंड बीटर है, इसको हमें जल्दी से बीट करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना। थोड़ा जब बैटर जो इसका बैटर जो इसका रेडी हो जाएगा फिर हम पानी डालना रोक देंगे। जब तक हम इसको बीट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास ये जो बैटर है ये इसका जो है तैयार हो गया इस तरीके से। इसको हमने इतना गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और इसके जो है पराठे बनाने के लिए हमें इस टाइप का जो है ना जो है स्पून चाहिए होगा, जिसे डोई भी कहते हैं। और इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि आपने देखा होगा मसाला डोसा जब बनाते हैं, जब मसाले डोसे का डोसा तैयार होता है तो इस तरह का बैटर तैयार होता है, फिर उसको इस तरह से इसको स्पून की वजह से फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मेरे पास आलू के पराठे की जो फिलिंग होती है वो बॉयल आलू का मैंने भरता की टाइप बनाया हुआ था, ये मेरे पास रखा हुआ था। इसके लिए लगा मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी चीज़ और मायोनीस, केचप, आप चाहें तो इसमें कोई भी फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर आलू की फिलिंग इस्तेमाल कर लो, चिकन की फिलिंग इस्तेमाल कर लो, या कोई और वेजिटेबल अगर आप इसके साथ फिलिंग करना चाहो तो आप इस तरीके से इसमें बना सकते हैं।
तो जल्दी से हम इसको तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयार है। अगर आपने आलू को जो भुर्ता बनाना है, इसमें मैंने सिंपल आलू को बॉईल किया था और उसके अंदर प्याज डाली थी, टमाटर, नमक, मिर्च, राई, ज़ीरा और हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसमें डाला था, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको मैंने हल्के से ऑयल में इसको भून लिया था। भूनने के बाद इसको हमने इस तरह से निकाल लिया। यहाँ हम तवे को थोड़ा सा तरंगा में गया और हल्का सा इसके ऊपर घी, बटर, ऑयल जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसको इस तरह से फैला लीजिएगा चारों तरफ, अच्छी तरह से फैला के, क्योंकि तो छोटे बड़े साइज़ की जिस तरह से आपको बनाना हो तो आप उस हिसाब से इसको फैला सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक साइड से तकरीबन रेडी हो गया, इसको थोड़ा सा करी लेता हूँ, ये दूसरी साइड से भी पक जाए, तो इसको सेंटर में कर देंगे। आँच कितनी रखनी है, जले नहीं, बाकी नॉर्मल पक जाए, बहुत स्लो नहीं रखनी, बहुत जो है तेज नहीं रखनी, सिर्फ इसको हमें पकाना है, जलाना है। तो ये देखें, ये इस तरह से ये तकरीबन पकना शुरू हो गया, इसको थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे। ये इस तरह से ये लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया, इसको फ्राई करा हमने दोबारा से और इसको ये जो ये वाला साइड था पहले जो हमने डाला था इसके ऊपर हम चूल्हे की आंच थोड़ी सी कर देंगे स्लो, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा केचप, स्पून की मदद से इसको पहले फैला देंगे। अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करना है चारों तरफ कि कहीं से ऐसा ना हो कि फैले नहीं। यहाँ से हमने आलू को बटर लिया, एक साइड से इसको उठाया और इसको हमने ऐसे टर्न कर दिया। इसी तरीके से फिर हमने इसको दूसरी साइड से टर्न करना, आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर या घी जो भी आपने डालना चाहें तो उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें कि बिल्कुल इस पराठे की तरह इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाए। ये हमने डाला इसमें केचप, मायोनीज, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है मस्टर्ड सॉस, आप इसको चाहे किसी किस्म के सॉस के साथ इसको आप सर्व कर सकती हैं। हमने डाला है इसमें केचप, मायोनीज और मस्टर्ड सॉस। तो ये है यम्मी सा पराठा हमारा तैयार हो गया।
और अगर चाहें तो आप इसको ऐसे ही सर्व करें और नहीं तो फिर इसको इस तरह से कटिंग करें। ये कि आपको इजी रहेगा खाने में निकालने में, ये गर्मा गर्म पराठा हमारा ऑर्डर करना। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। चीज़ जो मैंने ऊपर डाली आप चाहें तो उसके अंदर भी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई सी भी फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्त पराठा बना सकते हैं। बैटर आपने इस तरह से तैयार करना है और आपने फिलिंग अपनी मर्जी से कोई सी भी डालना है। तो उम्मीद है पसंद करिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।